ये है पूजा जो अपनी मौसी के घर में रहती है। मौसी की सास पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। हे भगवान, सारे के सारे लोग पूजा से कितना प्यार करते हैं। अगर मैंने इसको घर से बाहर निकाल दिया तो सब लोग मुझसे नफरत करेंगे। ये आ गई गधी मेरे कमरे में, मौका मिलते ही अभी बताती हूँ इसको मैं। तुमने टीवी पर क्यों कोई मेरी इतनी अच्छी मूवी देख रहा था? I'm sorry, मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसी कोई मजाक होती है क्या ये? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुमने टीवी बंद क्यों की? अरे कर दी तो कर दी, तो क्या हो गया? ऐसे फालतू की मजाक मुझे पसंद नहीं है, ऐसे मजाक कभी कर मत देना, ठीक है ना? तुझे बहुत हंसी आ रही है ना, ले हंस तू हंस। तुझे ना मैं इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं ना तुझे इस घर से निकाल के रहूंगी और मारूंगी, मैं खूब मारूंगी। मेरे चक्कर में ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे ना कुछ ना कुछ करना होगा। मैं ना एक काम करती हूँ, इस पूजा की बच्ची पे ना चोरी का इल्जाम लगा देती हूँ। मैं ना ऐसा करूंगी, इसके कमरे में जाके मेरा सोने का हार रख दूंगी ताकि इस पर इल्जाम आ जाएगा चोरी का। बेटा चोरी का इल्जाम लगाऊंगी। बहू कहाँ हो? बहू जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ, कहाँ हो? अरे जल्दी आओ। अरे क्या हुआ सासू माता? अरे बहू हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए यार। हम तो मेरा पता है सोने का हार था ना, वो कहीं भी नहीं मिल रहा। मैंने सारे कमरों में छान मारा लेकिन घर में तो कोई बाहर वाला नहीं आया है। कहाँ जा सकता है आपका सोने का हार? पता नहीं यार कहाँ जा सकता है। मैंने सब कमरों में चेक कर लिया लेकिन पूजा के कमरे में चेक नहीं किया। मुझे ना शक हो रहा है, पूजा के कमरे में मैंने चेक नहीं किया। एक बार चेक कर लेना चाहिए उसके कमरे में। अरे माँ जी, पूजा ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है दिल की, वो कभी ऐसे काम कर ही नहीं सकती। तो चेक करने में क्या जाता है? ठीक है माँ जी, आप कह रही हो तो आपकी तसल्ली के लिए एक बार हम चेक कर लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उसने हार चुराया होगा। पर मेरा वो बहुत कीमती हार था, मुझे तो कैसे भी करके मुझे तो वो हार चाहिए, तो एक बार मैं तो उसके कमरे में जरूर देखूंगी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं पूजा के कमरे में भी। चलो चलो आओ देखते हैं। हाँ देखो। आपने माँ जी सारे डिब्बे चेक कर लिए क्या? नहीं अभी नहीं करे मैंने चेक। चलो ठीक है, मैं देख लेती हूँ एक बार। ठीक है देखो। नहीं है, मैं भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें इनमें चेक कर लिए थे आपने? हाँ इनमें तो मैंने देख लिया था, उनमें नहीं है। हाँ एक बार स्कूल के बैग में और देख लो। इसमें तो नहीं है, इसमें अच्छे से देखो यार, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कहीं ये तो नहीं आपका हार? यही तो मेरा हार था, इस पूजा की बच्ची के बैग में रखा था ये मेरा हार। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरे हार को भी चुरा लेगी यार। मुझे ना बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है इस पूजा पे। तुम कैसी लड़की को मेरे घर पर लेकर आई हो? हाँ देखा कितनी बड़ी चोरी की उसने यार। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं अभी उसको सबक सिखाती हूँ। सिखाना, वरना मैं उसको इस घर में कभी नहीं रहने दूंगी, निकाल दूंगी उसको इस घर से। पूजा कहाँ हो? इधर आओ जल्दी। पूजा, पूजा की बच्ची कहाँ मर गई? इधर आ। क्यों रे, ये हार तूने उठाया? तूने उठाया? सच सच बता, सच सच बता, ये तेरे बैग में कैसे आया? हाँ माँ जी ये तो मना कर रही है। फिर तेरे बैग में ये हार आया कैसे? ये बस सच बता ना, झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। हाँ मैं तुझे इतना लाड प्यार करती हूँ, तेरी सारी जरूरतों को पूरा करती हूँ, और तू ये चोरी वाले काम करती है। हाँ मैं तुझे पढ़ा लिखा रही हूँ, तेरे माँ बाप मर गए, तुझे यहाँ रखे हुए, और तू ऐसे काम करती है, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ मेरे सामने ये रोने की नाटक मत कर, मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू इंसान है या जानवर या डायन? इतनी भोली वाली लड़की पे तू चोरी का इंजाम लगा रही है? चोरी की है इसलिए इल्जाम लगा रही है, ये थोड़ी ना फालतू इल्जाम लगा रही नहीं है। मैंने कल रात को देखा था, मतलब जिसने इसके बैग में वो रखा था नेकलेस,
उसके बाद में मैंने सोचा इसके लिए सरप्राइज दे रही है, इसलिए मैंने चुप रहा, कुछ नहीं बोला। सासू माँ आपने ऐसा किया? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा करोगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इतनी बड़ी गलती तुमने इतनी छोटी बेटी टीना मत रो। मुझे ना इस लड़की से बहुत ज्यादा चढ़ हो रही थी, नफरत सी हो रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप तो घर की बड़ी हो और आप मतलब लोगों को सिखाना चाहिए आपको कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते, और आप ही ऐसा गंदा काम कर रही हो। मैंने सोचा था कि ये सरप्राइज रही, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा। इसलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे सब लोग माफ कर दो। गलती आप हमसे नहीं, टीना से मांगो। आपने टीना के साथ गलत व्यवहार किया है। कितनी अच्छी लड़की थी वो, उसके चोरी का इल्जाम लगवाया तुमने उसके ऊपर। टीना मुझे माफ कर दो, टीना बेटा मुझसे गलती हो गई। हाँ अगर टीना ने माफ नहीं किया ना तो हम आपको हमारे साथ नहीं रखेंगे, निकाल देंगे। ऐसा मत बोलो भाऊ, मुझे माफ कर दो भाऊ, मुझसे बहुत बड़ी गलती। टीना इनको माफ कर दे कि नहीं, माफ कर दे कि नहीं, करे कर दे। टीना की वजह से हम आपको छोड़ रहे हैं, नहीं तो हम आपको कभी माफ नहीं करते। टीना तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे माफ कर दिया है। टीना कभी भी आप गलत व्यवहार मत करना टीना के साथ। मैं कभी भी गलत व्यवहार नहीं करूंगी। और अगर आपने कभी ऐसा किया ना तो हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। नहीं भाऊ ऐसा मत करना, मैं कभी गलत व्यवहार नहीं करूंगी टीना। इतनी मासूम बच्ची पे आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया सच्चाई, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, मैं टीना को घर से निकाल देती। भगवान का शुक्र है कि मुझे सच्चाई का पता चल गया। हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी कभी भी, है ना। अब अच्छे रखना टीना को। हाँ ठीक है, मैं अच्छी रखूंगी टीना को।